ये है कि जब सही माने में आप नेक नीति से लोगों को गले लगाओगे तो वो भी जरूर 10 कदम वहां से चलेंगे, लेकिन नेक नीति होना बड़ा जरूरी है। आप का प्यार जो है लोगों में वो बड़ा अहम है। मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जो चाहते हैं यहाँ आते हैं हमारे पास, या मोहब्बत है उन लोगों की। और क्या कहते हैं, बाकी हमारी पार्टी गैरअप हो रही है जे एंड के में, एक मुबारकबाद। और हमारी पॉलिसी जो है, जैसे आप जानते हैं कि सेकुलर पार्टी है, और हम लोग हर फिरके के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही जो है चीज़ें लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं होता। हर एक को साथ लेकर चलना ही हमारा काम है। सेलिब्रेशन का क्या मतलब, जब हम लोग उस वक्त भी एनडीए के पार्ट थे, लेकिन हमने तो वोट नहीं डाला, हमने तो बायकॉट किया पार्लियामेंट। आपको पता होगा 19 मेंबर पार्लियामेंट और 5 राज्यसभा मेंबर थे, हमने बायकॉट किया। इनकी अपनी पॉलिसी है, हमारा अलग है। ठीक है, हम लोग एनडीए के पार्टनर है, बट इसका मतलब नहीं, क्योंकि हर एक का मैनिफेस्टो अलग अलग होता है। तो हम लोग इसमें हम लोग ना तो सेलिब्रेट ही करेंगे, ना हमें कुछ करने। हम देखिए, हमारा मेन मकसद और मोटो जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज टू स्ट्रॉन्ग द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वो नहीं होगा कहने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से, करने से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यू हैव टू डू प्रैक्टिकली। और प्रैक्टिकली मैं ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स नहीं है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं अभी, तो अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, ये भी तो कर सकते थे। हम भी प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि भैया ठीक है, आप वीज़ा पॉलिसी में थोड़ा नरमी लाइए, थोड़ा टैक्सेस इनको फ्री करें, चलिए हमारे बच्चे अब्रॉड जाए काम करें, एंड आप रास्ते खोलिए, पासपोर्ट दे दीजिए। तो ये कोई भी कर सकता था, तो नहीं किया उन लोगों ने। ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने इसके काबिल समझा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का कि अगर हमारे ऊपर अल्लाह ने मेहरबानी की, और अगर हम किसी के काम आते हैं या मेरे पास कोई आता है, तो मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होऊंगा। रब्बुल आलमीन की कहाँ से मैं वो जबान लाऊँ कि मैं शुक्रिया करूँ कि मैं नाचीज़ इंसान भी किसी के काम आ सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो रही बात सेलिब्रेशन नहीं करने की, करने की, देखिए दीज आर, मैं क्या बताऊँ मुझे, हम ये क्या है, व्हाट डज यू मीन बाय दैट सेलिब्रेशन ऑफ व्हाट। तो हम ना सेलिब्रेट ही करेंगे ना नाराजगी है, वी हैव नथिंग टू डू दिस। हमारा मेन फोकस है यहाँ का एम्प्लॉयमेंट। अभी एग्रीकल्चर आपका पानी से, आप याद होगा अभी इस बार इतनी गर्मी रही, पूरी फसल जली हुई है, बागों में जो है एप्पल आपका खत्म हो गया, जमीनें खत्म हो गई। हमें इन चीजों के लिए रास्ते निकालने कि कैसे लोगों को इस बहरान से बाहर निकाले गए। ओ, ये सब चीजें हो जाएंगी तो बाद में सेलिब्रेशन खुद खुद होती है। कश्मीर में कौन अपोजिशन आप मानते, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बात करते हो, देखिए देश के पार्लियामेंट में इनका कोई वजूद ही नहीं बनता। 3 मेंबर पार्लियामेंट, वो 5% एमपीज भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं पहले, या वो 2% भी नहीं है। और फिर कितने एमपीज जीते हैं, 2 ही तो जीते हैं, पीडीपी के पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर आप जो बता रहे हैं मेरे को कि भाई वो नाराज है, वो ये है, तो उनके कहने से तो देश नहीं चलेगा, देश तो चलता है अपने सिस्टम से, तो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें मतलब अपने लोगों से है, मामला खत्म।